मिराकल ड्रिंक्स स्वास्थ्य संबंधित परिशिष्ट हर्बल आहार की श्रृंखला की ब्रांड का नाम है जिसको भारत में विपणन किया जाता है। मिराकल ड्रिंक्स ये पद इस उत्पाद को उन लोगों द्वारा दिया गया जिन्होंने सबसे पहले इसका सेवन करके इससे फायदा प्राप्त किया। मिराकल ड्रिंक्स उत्पादों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कर्नाटक सरकार द्वारा एक मालिकाना आयुर्वेदिक दवा के रूप में लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मिराकल ड्रिंक्स ब्रांडेड उत्पादक के 8 प्रकार भारत में उपलब्ध है जिनका नाम इस प्रकार है: एंटी एजिंग सपोर्ट, ऑर्थो सपोर्ट, कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट, लिवर सपोर्ट, रीनल सपोर्ट, गैस्ट्रो सपोर्ट, इम्यून केयर, शुगर सपोर्ट। ये उत्पाद 170 से अधिक प्रकार के स्वास्थ्य विकारों को दूर करने में सहायता करता है। ये स्वास्थ्य संबंधित परिशिष्ट हर्बल आहार की प्रकृति 100% हर्बल है। इसमें किसी भी प्रकार के धातु, एफ्लाटॉक्सिन या कीटनाशक शामिल नहीं है। इन परिशिष्ट में इस्तेमाल की गई सभी जड़ी बूटियों में महत्वपूर्ण औषधीय मूल्य है जिनके लाभों का उल्लेख चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, सारंगधर संहिता, माधव निदान संहिता, कश्यप संहिता, भाव प्रकाश और भैषज रत्नावली जैसी प्रसिद्ध वैदिक साहित्य में भी किया गया है। इन पूरक आहारों में इस्तेमाल होने वाले सभी जड़ी बूटियां पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में से चुनी गई है। इन जड़ी बूटियों का परीक्षण NABL ISO 17025 के तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया गया है। स्वास्थ्य विकार। स्वास्थ्य विकारों ने मानव जाति को तब से त्रस्त कर दिया है जब से सर्वप्रथम मानव का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत तक इनमें से अधिक विकार प्रकृति से ही उत्पन्न हुए थे और इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सकता था। हालांकि पूर्ण निष्पक्षता में कई बीमारियां ऐसी थी जिन्हें लाइलाज माना जाता था। चेचक, मलेरिया और पोलियो आदि जैसी बीमारियों के उन्मूलन का यश आधुनिक चिकित्सा के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को दिया जा सकता है। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद आधुनिक औषधीय विज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख मुद्दों का इलाज ढूंढने में विफल रहा है, जैसे कि हृदय, किडनी, अग्नेशय, यकृत, मस्तिष्क आदि जैसे विफल अंगों की खराबी दूर कर उसका कायकल्प करना। आधुनिक चिकित्सा की प्रारंभिक अवस्था को देखते हुए एक विशेष विकार के उपचार के कई प्रमुख दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो व्यक्ति के अतिरिक्त जीवन पर कठोर प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य विकारों का मूल कारण। 21वीं शताब्दी में होने वाले असंख्य स्वास्थ्य विकारों के मौजूद के प्रमुख कारणों में से एक बड़ी मात्रा में हवा में छोड़ी जाने वाली जहरीली गैस है। इसके कारण फेफड़ों के विकारों और अकाल मृत्यु के दर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने हवा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कार्बन पृथक की मात्रा को कम कर दिया है। इसकी एक और समस्या है, जब जंगल काटे जाते हैं तो उन जंगल पर निर्भर प्राणी जीवित रहने के लिए कृषि खेती के तरफ रुख मोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप किसान अपनी उपज की रक्षा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं और हम उन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें कीटनाशकों की मात्रा होती है, जिसके कारण कई दीर्घकालीन बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा 21वीं सदी की अनियमित जीवन शैली भी हृदय की बीमारियों, मधुमेह आदि से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि होने का कारण है। हमें ये समझना चाहिए कि शारीरिक समस्याओं के लिए दवा पर निर्भर रहने के बजाय हमारे शरीर को स्वास्थ्य रखना और उसकी देखभाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न हर्बल यौगिकों का आविष्कार। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। श्री एस एम राजू ने लंबे समय तक परेशान करने वाले संधि रोग के वैकल्पिक समाधान को खोजने के लिए
इन स्वास्थ्य परिशिष्टों को विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1981 में इस पर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही प्रभावी ढंग से खुद का इलाज करने में सक्षम रहे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के बीच अपने शोध की वकालत जारी रखा। इन पूरक आहार का उपभोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। श्री एस एम राजू ने 2008 में एक्यूट रीनल फेलियर से पीड़ित अपने पिता और 2010 में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया से पीड़ित अपने बेटे के लिए अपना संशोधन जारी रखा। वो फिर उन दोनों को प्रभावी ढंग से इलाज करने में सक्षम रहे। हालांकि अपने बेटे के मामले में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें एलोपैथिक उपचार भी प्राप्त हो। उन्होंने अपने सहयोगियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उद्योगपतियों के समेत महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्तियों का इलाज जारी रखा। 2014 में उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय केंद्रीय मंत्री के सिफारिश के तहत उन्होंने बड़े पैमाने पर इस आहार का उत्पादन करने का फैसला किया। ये निर्णय उन्होंने ये समझने के बाद लिया कि दुनिया भर के लोग कई विकारों से पीड़ित है और शरीर के कामकाज को सामान्य करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, और जो ये इलाज खोज पाए हैं उन पर दवा के गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं। वो दृढ़ता से मानते हैं कि कोई भी स्वास्थ्य विकार ला इलाज नहीं है। अगर धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाए तो हर गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। मेडिकल थिंग्स का नाम जो क्लाइम हुआ है वो हम नहीं किया। जब 2014 में चतरा में प्रमंडली आयुक्त थे, उस समय पर जो भी पेशेंट्स आता था, क्या सर ये मेडिकल है, ये मेडिकल है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहा था कि कभी भी जिंदगी में ये दर्द खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर मेडिसिन खाता रहना चाहिए, ऐसे सब होता था। लेकिन अभी हमको मतलब एब्सोल्युटली क्लियर हो गया है, सो ये मेडिकल ऐसा इन लोगों खाता था। देन हम सोचे ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड को क्यों थोड़ा स्टाइलिश से ड्रिंक नहीं रख सकता हूँ, ऐसा सोच करके मिरेकल ड्रिंक्स जो हम नाम को फाइल किया। उत्पादों के सुंदरता ये है कि जनता के लिए जारी करने से पहले माननीय मुख्य न्यायाधीशों, माननीय केंद्रीय मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों और शीर्ष डॉक्टरों जैसे प्रोफेसरों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के विभाध्यक्ष, मशहूर व्यक्तियों, व्यावसायिक टाइकून, रिश्तेदारों और दोस्तों के द्वारा उनका परीक्षण किया गया। सभी ने अपने शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव को देखने के बाद इसका समर्थन किया। हमको कोई भी तकलीफ नहीं थी, हम बहुत हेल्दी पर्सन और बहुत अच्छे से काम करने वाले आदमी थे। लेकिन इधर 3-4 साल से मेरे नी ज्वाइंट में बहुत पेन होने लगा, हो सकता है एजिंग प्रोसेस हो इसके वजह से हो रहा हो। और बाद में इधर 6 महीने से तो इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि हम चल भी नहीं पाते थे, पैर को मोड़ नहीं पाते थे या ज़मीन पर बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। तो नंबर 2 दवा हमने लिया, 3 महीना शायद कम डोज में हम लिए, पूरा डोज भी नहीं लिए, लेकिन मेरा एकदम ठीक हो गया और एकदम आराम से हम चलना फिरना शुरू कर दिए। जो डोज राजू साहब बोल रहे हैं वो डोज में हम नहीं ले रहे थे, बहुत कम डोज में लेने के बावजूद भी मेरा ड्रामेटिकल चेंज हुआ और एकदम पैर मेरा हल्का हो गया और नी ज्वाइंट एकदम का पेन खत्म। 2 साल पहले 1913 में गए हुए थे बॉम्बे, क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थी और वहाँ जांच में पाया गया कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है और इसीलिए आपका हैवीनेस होता है। हम खुद प्रोफेसर रहे हैं इसके मेडिकल कॉलेज में और थे रेडियोलॉजी में, सीएमसी हॉस्पिटल भेलोर में लेक्चरर रहे हैं। तो ये जब इन्वेस्टिगेशंस हुआ तो उस समय हमको लोग कहा कि एंजियोप्लास्टी कर दें, क्योंकि हम डायबिटिक हैं 38 ईयर्स से, इसको सोच करके हम एंजियोप्लास्टी नहीं कराए
और एंजियोप्लास्टी नहीं करा करके हम ये सोच के आए थे कि बाईपासिंग द बाईपास सर्जरी, ये एक सिस्टम है कि अगर हम पैर में प्रेशराइज करते हैं तो कोलैटरल सर्कुलेशन बन जाए। लेकिन इस बीच में जब ये जानकारी आयुर्वेद की हुई तो इनका एक दवा है जो मार्क 3 रखे हुए हैं कार्डियोवास्कुलर, उससे हमको क्या बेनिफिट हुआ कि चेस्ट का हैवीनेस खत्म हो गया और दोनों पैर में जो भारीपन था जिसके लिए हम चेयर मंगाए हुए थे मसाज चेयर, अब चेयर की हमको जरूरत नहीं। चलने में हम ट्रेडमिल नहीं कर पाते थे, वो ट्रेडमिल हम बहुत इत्मीनान से 15 मिनट तक करते हैं और काफी बेहतर फील करते हैं। इस साल हम जनवरी में जाकर के फिर जांच कराए, उस जांच में जो हार्ट का जांच किया लो तो उसमें हम काफी काफी अच्छे 90%। अनुसार श्री एसएम राजू ने 20 साल पुरानी कंपनी मल्लूर फ्लोरा और हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बड़े पैमाने पर उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए आहार का फॉर्मूला दिया, इस शर्त पर कि बिक्री से उत्पन्न मुनाफे का 50% गुरुकुल आश्रम में ग्रामीण गरीब मेधावी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए खर्च होगा, जहाँ CBSE अंग्रेजी माध्यम से ग्रेड 6 से 12 के साथ संस्कृत और वैदिक साहित्य भी पढ़ाया जाता है। 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukul Ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. I wish him the best of luck. इंजीनियर हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ग्लासगो स्कॉटलैंड से पढ़ के मैं इधर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
होल्ड कर रहा हूँ इस कंपनी में, मिरेकल ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये है सुनीता राजू, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। ये हमारा कंपनी 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था श्री मुनीला कप्पा और श्रीमती पिलम्मा से। हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से सोर्स किया जा रहा है बाय एम्प्लॉइंग ट्राइबल्स। और ये हमारा जो रॉ मटेरियल्स है हर्ब्स, इसको कंसीडर किया जाता है एज फॉरेस्ट माइनर प्रोडक्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा उद्देश्य है इस डायरेक्ट सेलिंग प्रोग्राम से कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकें वो और अच्छा होगा फॉर अस एंड फॉर द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री एसएम राजू ने शासकीय नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना इंडिया के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर के ऋणी है, जिन्होंने उन्हें इस संशोधन के अनुसंधान में उनका मार्गदर्शन किया। वह अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता राजू के भी ऋणी है, जिन्होंने उनके शोध के लिए भारी सहयोग दिया और फ्लैक्स डाइट पर जोहाना बुडविक के सिद्धांत से वाकिफ किया। संभवतः आयुष मंत्रालय भारत सरकार के इतिहास में पहली बार माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री श्रीपद यसो नायक ने 11 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली के संविधान क्लब में उत्पादों का शुभारंभ किया। I appreciate the effort of the Mr. Raju and Muller Soraya Hospitality Private Limited to launch the wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. उत्पाद की विशिष्टता। मिरेकल ड्रिंक्स में कोई भी धातु, एफ्लाटॉक्सिन, गोमूत्र या रासायनिक नहीं होता है। यह 100% हर्बल काढ़ा है। और ये मिरेकल ड्रिंक्स अन्य होम्योपैथिक दवा का साथ में लिए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उसका साथ में लिए तो और स्पीडली रिकवरी होगा। ओनली वन कंडीशन है, जो आदमी बीपी है और डायबिटिक मेलाइटिस मतलब शुगर है, सो उन लोगों जब ये मिरेकल ड्रिंक्स एल सप्लीमेंट लेने का समय पर ध्यान में रखना चाहिए कि उनका एलोपैथिक मेडिसिन जो है स्लोली कम करना पड़ेगा। ये काम किस प्रकार करता है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध लाखों फाइटोकेमिकल्स मिरेकल ड्रिंक्स के खुराक में मौजूद है। यह संभवतः शरीर में मौजूद सुषुप्त कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और कोशिकीय स्तर पर शरीर में मौजूद विष का नाश करता है। यह प्रोबायोटिक्स के रूप में भी काम करता है, जो आंत में मौजूद प्रीबायोटिक्स को पोषण देता है। उपचार की संकल्पना में शामिल है पूर्वी और पश्चिमी सिद्धांतों के सम्मिश्रण। उदाहरण के तौर पर औषधीय सार को वैदिक साहित्य से प्राप्त किया गया है, जबकि दवा का प्रोटोकॉल एलोपैथिक सिद्धांतों से लिया गया है। पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार के रूप वात पित्त कफ को इन खुराक को विकसित करते समय ध्यान में नहीं लिया गया है। फ्लैक्स का मतलब हिंदी में अलसी बोलता है, बिहार में पीसी बोलता है एंड इंग्लिश में इवन लिंसीड भी बोलता है उसको। और इसको डॉक्टर जोहाना बडविक थियरी, जो जर्मन का साइंटिस्ट है, उनका अनुसार हम लोगों हमारा बच्चा को ब्लड कैंसर जब था उस समय पर हम लोगों एक्सपेरिमेंट किए और उसका बाद में इंटर वर्ल्ड के लिए मैं ये फ्लैक्स डाइट मतलब अलसी का मट्टा को मैं प्रचार कर रहा हूँ। हर आदमी का जो बीमारी है उसको इसको प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इसमें एक पैसा खर्च नहीं है, 2-3 रुपये का अंदर ही हो जाता है ये फ्लैक्स बनाने के लिए में, तो लेकिन वो 10,000 रुपये का वैल्यू। यहाँ उपचार का मूल सिद्धांत सुषुप्त स्टेम कोशिकाओं को उत्तेजित करना और मिरेकल ड्रिंक्स और लिग्नेंस के माध्यम से कोशिकाओं में मौजूद विष का हरण करना और फ्लैक्स सीड आहार के उपयोग कर
ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के माध्यम से करके कोशिकीय चयापचय गतिविधि और कोशिकीय श्वसन प्रणाली को नियमित करना है। इसी प्रकार लाभकारी सूक्ष्माणुओं का नियमन करना, जिनका मुख्य कार्य विभिन्न एंजाइम का निर्गमन करना है, जिसकी वजह से खाए हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व बराबर से बांट जाए और आवश्यक कोशिकाओं में उनका आपूर्ति हो जाए। आंत और कोशिका के लाभकारी सूक्ष्मजीव। पचन प्रक्रिया में लाभकारी सूक्ष्माणुओं की भूमिका के कारण शरीर को अधिकतर पोषण मिलता है। मानव आंत सूक्ष्म जीवों के संख्या में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की कोशिकाओं का घर है। स्वस्थ सूक्ष्माणुओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम का उत्पादन करना है और ये एंजाइम भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को विभाजित करते हैं, जिनकी शरीर के सभी हिस्सों में आपूर्ति होती है। साधारण भाषा में त्वचा, रक्त, हृदय, यकृत, गुर्दे जैसे विभिन्न अंगों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना। कोशिकाओं ठीक से काम करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। कोशिकाएं और सूक्ष्माणु एक सिक्के के दो बाजू है। सूक्ष्माणुओं के बिना कोशिकाएं निरर्थक है। विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आँखों को विटामिन ए, हड्डियों और जोड़ों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मौजूद सूक्ष्माणु इन विभिन्न पोषक तत्वों को तोड़ने और विभिन्न अंगों में उनकी आपूर्ति करने का कार्य करता है। मिरेकल ड्रिंक्स आहार के प्रभावों का सामान्य अवलोकन। कैंसर और ऑटो इम्यून रोग। 10 में से 5 से 6 मामलों में अच्छी राहत मिल रही है। कैंसर और ऑटो इम्यून के अलावा अन्य 10 मामलों में से 8 से 9 मामलों में बीमारी से अच्छी राहत मिल रही है। लाइलाज रोग, मस्तिष्क आघात, CKD, यकृत सिरोसिस, गुर्दे की पत्री, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, मधुमेह की बीमारी। स्त्री रोग जैसे कि दर्द के साथ अनियमित रक्तस्राव, मूत्रपथ संक्रमण, रजोनिवृत्ति की समस्याएं, बांझपन की समस्या, हृदय से जुड़ी समस्याएं जैसे वाहिका रोग, डायलेशन कार्डियोमायोपैथी। मधुमेह के रोगियों में एकाधिक धमनी रुकावट जहां ग्राफ्टिंग करना मुमकिन नहीं है। नेत्र विकार जैसे ग्लूकोमा, मधुमेह संबंधित रेटिनोपैथी, नेत्र रोग जैसे 117 से अधिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हमको यूरिक एसिड 15 साल से था और हम जायलोरिक एसिड लेते थे पहले और एक टेबलेट डेली ब्रेकफास्ट के बाद जायलोरिक एसिड लेते थे। करीब 8.5 पॉइंट हो गया था। जायलोरिक लेने के बाद वो 6 पर रहता था, लेकिन रहता ही था 6-7 अपना खाने का स्टाइल। जब ये मिरेकल्स दवा लिया और आयुर्वेदा जो लिया बताइए, उससे क्या हुआ कि वो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल लेवल पे आ गया 5-5 में, और ये जायलोरिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको हमने 8-10 दिन तक लिया था, जो अभी तक रेगुलेट हो रहा है, अभी तक कंटिन्यूसली एकदम कंट्रोल में। और आयुष साहब छपरा में कमिश्नर थे, तो मैंने इनसे बात किया कि सर हम आज घर आ रहे हैं तो आपसे मिलते हुए गांव जाएंगे। तो जब मैं छपरा गया और गाड़ी से उतर रहा था, SM राजू जी सीनियर IAS ऑफिसर वहाँ कमिश्नर थे, तो चूँकि पूर्व परिचय था तो उन्होंने देखा कि मैं गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हुआ। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गया। तो उन्होंने मैंने बताया कि मेरे नी में बहुत पेन है, जिससे मुझे चलने में बहुत तकलीफ है। तो इन्होंने कहा कि मैं दवा देता हूँ, और इन्होंने मुझे एक बोतल 3 नंबर की दवा दी। विश्वास तो नहीं हुआ कि उससे लाभ होगा, मगर हम ले आए और मैंने उस दवा को खाना शुरू कर दिया। 10 से 15 दिन के अंदर
मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पेन कम है और हैचरी मेरा 2 फरलोंग पर मेरे मकान से, वहाँ तक जाने में हमको कोई तकलीफ नहीं। तो इंटरेस्ट उस मेडिसिन पर जगा, एक बोतल खाने के बाद हम दूसरा 500 ml लाए और अब हम कह सकते हैं कि आई एम 90% दवा पीने के बाद 15 दिन के बाद मेरा एल्बुमिन जो होता है, जो प्रोटीन निकलता है यूरिन से, वो मेरा बहुत कम हो गया और +2 था उसमें +1 आ गया। तो मेरा बेटा डॉक्टर था तो वो बोला कि सो बाप ये तो 7वां आश्चर्य है, कैसे हो गया भाई, एकदम आश्चर्य से देखने लगा रिपोर्ट को। तो बहुत बड़ा तो हम सर से जरा सा मिलेंगे, तो सर से मिला आके बात किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, सो हम भी आश्चर्य में है, सो कैसे ये सब हो गया। तो उसके बाद फिर हम खाने लगे तो फिर मेरा यूरिन भी पहले खुल के नहीं आता था, उसके बाद खुल कर आने लगा यूरिन खुल के आने लगा। उसके बाद भूख लगने लगी, खूब अच्छा से खाना खा लिए, खाना खाने लगे। अभी राजू सर ने जो भी डाइट बताया था उसको मैंने फॉलो किया, अच्छा से खूब अच्छा से खाया और अभी 3-4 महीना दवा लेते हो गया है। मेरा 6 क्रिएटिन था, 6 क्रिएटिन से अभी 3 पर आया हुआ है 4 महीना में। और उसके बाद अभी ये तो नॉर्मल रूटीन जैसे खाते पीते थे उस तरह खा पी रहे हैं और अच्छा से रह रहे हैं अपना, और कोई हम कभी कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। और इसके लिए राजू सर को धन्यवाद देना चाहेंगे। मिरेकल ड्रिंक्स के उत्पादन का बुनियादी ढांचा, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार ने क्रमशः इक्विटी और सॉफ्ट लोन इस परियोजन के लिए प्रायोजित किया। यह संयंत्र बेंगलुरु हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर दूर मस्तनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र के निकट 10.3 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 1,00,000 लीटर दवा उत्पादन करने की है। विभिन्न ला इलाज स्वास्थ्य विकार के इलाज के लिए उन्होंने किए हुए हर्बल यौगिकों के आविष्कार की पुष्टि करते हुए उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हांगकांग, दुबई और मुंबई में और टाइम्स स्वास्थ्य उत्कृष्टता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज दुनिया भर में कई लोग मधुमेह, हृदय रोगों, गैस्ट्रिक समस्याओं, गुर्दे की बीमारियों, संधि रोग, दिल के रोगों जैसे विभिन्न असाध्य स्वास्थ्य विकारों के लिए इस मिरेकल ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं। बिहार केडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी होने के नाते श्री SM राजू ने अपने व्यवसाय में कई उपलब्धियां हासिल की है। वह वनारोपण के बारे में उत्साहित है और उन्होंने 29 अगस्त 2009 को बिहार के 6 जिलों के 7,000 गांवों में 3,00,000 लोगों की मदद लेकर 96.4 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद यह संकल्पना राष्ट्रीय नीति बन गई है। दिवंगत माननीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक लक्ष्य 3 बिलियन में श्री SM राजू की उपलब्धियों को पुरस्कृत किया है। BBC ने श्री SM राजू के सामाजिक वाणी की संकल्पना को पुरस्कृत किया और उन्हें भारत का वृक्षारोपण गुरु कहा है। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 1 दिन की 1 करोड़ वृक्षारोपण परियोजना के लिए सम्मानित किया गया। यह श्री SM राजू के सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिन्होंने मानव जाति के लाभ के लिए मिरेकल ड्रिंक्स हर्बल आहार का आविष्कार किया है।
विस्तृत जानकारी के लिए फ्लैक्स ड्रिंक तैयार करने के लिए कृपया इस लिंक पर जाइए। उत्पादों और उपचार गाइड पर विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.miracledrinks.in या www.miracledrinkslife.com पर उपलब्ध है। कॉल सेंटर नंबर 0803019 6262।